एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। यस, हमारी वीडियोस बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि हमें यहाँ से डिवाइन गाइडेंस मिलती है। जिस गाइडेंस की हमें ज़रूरत होती है, डिवाइन हमें गाइड करते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत प्रेशियस होती है ना। तो उसी तरीके से आज मैं आप सभी के लिए गाइडेंस लेकर आई हूँ। हम देखेंगे कि आप सभी के लिए एंजल्स की तरफ से, हमारे हायर बींग्स की तरफ से, हमारे डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या जानने की आपको ज़रूरत है। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, अगर कुछ स्ट्रगल है, किसी चीज़ को लेकर के कुछ फ़ैसला लेना चाहते हैं, क्या बताना क्या चाहते हैं, क्या ज़रूरी है आपके लिए इस वक्त में जानना। एंड येस फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और जब भी आपके सामने ये आएगी, ये गाइडेंस तभी आपके लिए होगी। एंड प्लीज़, अगर मैं पर्टिकुलरली अगर किसी इशू को अगर उठाती हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे देखिएगा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। रीडिंग है ये जर्नल, लेकिन ये गाइडेंस है, तो गाइडेंस सभी के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। अगर आप अपनी सिचुएशन को ध्यान में रखकर इस गाइडेंस को देखेंगे, तो आपके ऊपर, मतलब आपको इससे ज़रूर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके लिब्रा, आपके लिए हम एंजल्स से मैसेज ले चुके हैं। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल्स आपको कह रहे हैं वेट। ओके, एंजल्स की तरफ से आपके लिए वेट का आंसर है। ओके, देखिए, एंजल्स आपको कह रहे हैं वेट। यहाँ पे वेट किस चीज़ का? बेसिकली अभी जो भी सिचुएशन या जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, जिस भी चीज़ को लेकर के आप यहाँ देखें, तो ये पर्पल कलर, ये विंग्स हैं एंजल्स के, एंजल के ये विंग्स हैं। अगर आप इतना एरिया देखें, ये थर्ड आई को फोकस कर रहा है, और ये लाइट जो ऊपर से आ रही है, ये एंजल के क्राउन चक्रा पे आ रही है, और उनके हाथ में वो स्वॉर्ड है, और ठीक है। और इससे यही मैसेज मिल रहा है कि आप अभी कोई सिचुएशन है, जो भी, जिस भी सिचुएशन से रिलेटेड आप देख रहे हैं ये मैसेज, ये वीडियो, ठीक है, उसमें अभी आप अवेयर नहीं है कुछ चीज़ों से। कुछ चीज़ें शायद आपसे अभी हिडन हैं, अभी पूरी तरह से आप उस सच्चाई से अवगत नहीं हैं, तो अभी आपके लिए वो वेट बोला जा रहा है। हो सकता है आप लोग कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो, या कुछ न्यू, या कुछ है स्टार्ट करने का सोच रहे हो, या कोई डिसीज़न लेने का सोच रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि पहले आप उसके जो पीछे की सच्चाई है उसे जान ले, क्योंकि अभी आप उतने अवेयर नहीं हैं उन चीज़ों से, पीछे क्या है उस चीज़ के, रीज़न क्या है, ठीक है। तो अभी जल्दबाजी में आपको वो डिसीज़न लेने से मना कर रहे हैं किसी भी तरीके का, या कुछ भी ऐसा करने से आपको रोका जा रहा है, जिसके लिए शायद कि आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि पहले तो अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए, ठीक है, जानकारी हासिल कीजिए, ठीक है। ओके, आगे हम और मैसेजेस से क्लियर करेंगे एंजल्स के इस मैसेज को। और बॉटम ऑफ द डेक है, सी, बॉटम ऑफ द डेक है आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो ये इसके साथ ही साथ, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी आप अवेयर नहीं हैं, अभी आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता, कुछ चीज़ें आपसे हिडन हैं, या मैं कहूँगी पूरी सच्चाई आपको मालूम नहीं है। हो सकता है आप जल्दबाजी में कोई गलत डिसीज़न ले लें, ठीक है, तो उसके लिए आपको वो सच्चाई को जानने की ज़रूरत है। अगर इसके लिए कुछ मदद हो सके, कुछ लोग, दूसरों से मदद अगर आप मांगना चाहें, तो मांग सकते हैं, राय ले सकते हैं, किसी बड़े से राय ले सकते हैं, अपने एंजल्स से आप हेल्प मांग सकते हैं। और इस मैसेज के साथ ही ये भी क्लियर होता है कि ये हेल्प आपको प्रोवाइड की जा रही है हर तरह से। देखिए, अगर 3D वर्ल्ड में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मदद देने वाला, कि हेल्प करने वाला, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, तो बिलीव मी, एंजल्स हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम है जो आपको गाइड कर रही हैं। तो उसके लिए आपको अवेयर रहने की थोड़ी ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए,
क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो वो जो व्हाइट लाइट आ रही है क्राउन चक्रा पे, अपने क्राउन चक्रा को ओपन करने की कोशिश कीजिए, क्राउन चक्रा को बैलेंस कीजिए, अपनी थर्ड आई को बैलेंस कीजिए, बिलीव में आपको वो मैसेजेस जरूर आप रिसीव करेंगे, ठीक है। तो यस, आपके लिए अभी वेट इसलिए बोला जा रहा है कि अभी आपको पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है, पूरी पिक्चर मालूम नहीं है, तो बिना किसी चीज़ की पूरी जानकारी हासिल किए या किसी चीज़ को जाने बिना पूरी तरह से कोई डिसीज़न ले लेना वो रॉन्ग है। तो अभी आप वो डिसीज़न मत लो, ठीक है। तो पहले उसको उसकी क्लैरिटी आने दो, मतलब उसका उसको क्लियर करो उस चीज़ को, ठीक है। अगर जहाँ आपको कम्युनिकेशन ज़रूरी पड़ सके, चाहे वो मदद के लिए आप कम्युनिकेट करो किसी से, क्योंकि स्वॉर्ड्स है ये कम्युनिकेशन को भी डिनोट करती है स्वॉर्ड्स, तो उसके लिए यही है कि कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, बातचीत हो सकती है, हो सकता है कोई आपका रिलेशनशिप ऐसा हो या करियर ऐसा हो या कोई भी लाइफ का एरिया ऐसा हो, आपको खुलकर के बात करने की ज़रूरत है। बात कीजिए तभी चीज़ें क्लियर हो पाएँ, तभी आप उसकी गहराई तक जा पाएँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी कुछ ब्लॉकेजेस नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड येस, आपको आप जो है आपको यहाँ पे हेल्प दी जाएगी, आपकी आपके जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको मदद प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो अपने क्राउन चक्रा को, अपने थर्ड आई को बैलेंस कीजिए और ओपन करने की कोशिश कीजिए, आपको मैसेजेस डेफिनेटली आपको रिसीव होंगे। जैसे कि आप ये मैसेज, ये वीडियो सुन रहे हैं, ये भी तो आप उन्हीं की तरफ से ही मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं ना, ठीक है। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, ओके, ताकि आप वो मैसेज रिसीव कर पाएं। क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्राउन चक्रा और थर्ड आई पर फोकस करने बैठ जाएं कि यस हमें तो अदर रिलीम से मैसेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे, हमें होता क्या है कि कुछ लोग करते हैं ऐसा, ठीक है, बिना नीचे के चक्रास को बैलेंस करे, खासकर मैं कहूँगी हार्ट चक्रा को बैलेंस करे, डायरेक्ट थर्ड आई और क्राउन चक्रा को ओपन करने में लग जाते हैं लोग, ठीक है, कि हमें डिवाइन से मैसेजेस मिलेंगे। ओके, आपको डिवाइन से मैसेज मिला, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से मैसेज मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आपका हार्ट ही ओपन नहीं है, आपका हार्ट जो है वो ब्लॉक्ड है, तब कैसे रिसीव करोगे? आप उसे इग्नोर कर दोगे। आपको यहाँ पे अगर आपको सिंक्रोनिसिटीज दिखेगी, आपको लगेगा अरे वो तो अचानक से मैंने देख लिया तो मुझे नज़र आ गया, आप वो रिसीव ही नहीं कर पाओगे। अगर आपने कोई क्वोट पढ़ा या कोई मैसेज ही पढ़ा जो आपके लिए ही था, लेकिन आप उसे इग्नोर कर दोगे कि अरे ये तो किसी और के लिए होगा, मेरे लिए क्यों होगा, इसे तो बहुत लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ अकेले मेरे के लिए थोड़ी है, ये तो कोइंसिडेंस हो गया मेरे लिए कि मैं एकदम से आ गया इस तरफ देखने के लिए, समझ रहे हैं। तो वो क्या होता है, आपका हार्ट चक्र ही ओपन नहीं है, ठीक है, वो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो आप वो मैसेजेस ही रिसीव नहीं कर पाए। तो उससे क्या है कि आपका क्राउन चक्रा और थर्ड आई अगर ओपन भी हो जाती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो उसके लिए आपके हार्ट चक्रा को भी ओपन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन एंजल को देखें, इनका क्राउन चक्रा, इनकी थर्ड आई वाइट लाइट से चमक रही है, उसके साथ ही साथ उनका उनका ये हाथ जो है हार्ट चक्रा के पास है, ठीक है, ये हिस्सा भी जो है हार्ट चक्रा का एरिया, ये भी फोकस में है, यहाँ भी लाइट है। तो बेसिकली अपने हार्ट चक्रा को भी आपको ओपन करना है ताकि आप वो मैसेजेस रिसीव कर पाएं। बिना हार्ट चक्रा ओपन किए आप ऐसे मैसेजेस रिसीव करेंगे, ठीक है। चलिए आपके लिए देखते हैं मूनोलॉजी से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मैसेज दीजिए मेरे जितने भी व्यूवर्स लिब्रा तुला राशि देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सिचुएशन में, इस समय क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या बताना चाहते हैं आप उनको, कहना क्या चाहते हैं आप उनको, प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस गाइडेंस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस मैसेजेस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए वाओ, ओके, कम्युनिकेशन इज की, मैं बोल रही हूँ ना आपको, कम्युनिकेशन कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। कम्युनिकेशन आप में से बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और बॉटम ऑफ द देखे, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ओके। तो यहाँ पे एक मैसेज तो और मैं आपको देना चाहूँगी, ठीक है। डियर लिब्रास, अगर आप इस पे वर्क करते हैं, अगर आप इस मैसेज को सीरियसली ले रहे हैं और आपको लगता है कि यस ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है, तो
आप अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करेंगे, अपने थर्ड आई पे वर्क करेंगे, अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करेंगे, उसके साथ ही साथ अपने रूट चक्रा पे ज़रूर फोकस कीजिए, ठीक है। रूट चक्रा हमें फियरलेस बनाता है, हमें ग्राउंडेड रखता है, ठीक है। जहाँ हम इस 3D वर्ल्ड में हैं, हमें उससे अटैच, मतलब उससे जो है टच में रखता है, ठीक है, क्योंकि हम यहीं से वर्क कर रहे हैं, ओके? तो अपने रूट चक्रा को भी बैलेंस करना आपको बहुत ज़रूरी है। देखिए, अमूमन देखा जाए, अगर नॉर्मली मैं कहूँ तो हमारे सभी जो 7 चक्रास होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लोअर चक्रास जो होते हैं, 3 लोअर चक्रास जो होते हैं, वो हमारे मेटीरियलिस्टिक जो हम जीवन जी रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं, ठीक है। और जो अपर 3 चक्रास होते हैं हमारे, वो जो होते हैं वो आउटर वर्ल्ड, जो हमारी डिवाइन टीम होती है, उनसे कनेक्ट होने के लिए होते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ में उनकी गाइडेंस को प्राप्त कर सकें, ले सकें, ठीक है। और हार्ट चक्रा क्या होता है, ऊपर हायर और हमारे जो लोअर चक्रा होता है उनको कनेक्ट करने में उन मदद करता है। और अगर हमारा हार्ट चक्रा ही ओपन नहीं होता है तो ना तो हमारे लोअर चक्रास ठीक रह सकते हैं, ना ही ऊपर, मतलब लोअर चक्रास का भी कोई फ़ायदा नहीं है और अपर चक्रास का भी ओपन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम किसी भी तरीके की ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पाएंगे। और रिसीव हम कहाँ से कर पाते हैं, अगर हमारे सभी चक्रास ओपन है, बैलेंस है, तो रिसीव हम हार्ट चक्रा से ही करते हैं। जब हमारा हार्ट चक्रा ही हील नहीं है, ओपन नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और यस, हार्ट चक्रा आपके लिए नाउ कम्युनिकेशन, कुछ लोग यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन को लेकर के है, बात नहीं कर पाते, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, किसी बात को नहीं बोल पा रहे हैं किसको, किसी को, या किसी से क्लियर मैं कहूँगी क्लियर कट बात नहीं कर पा रहे हैं, सच नहीं बोल पा रहे हैं किसी को, ये भी कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे एंजल्स यही बोल रहे हैं कि आपको सच के साथ रहना है। अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम है तो आपको वो, ये टाइम है आपका, ये टाइम है आपका एक्शन लेने का, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको क्या बोला जा रहा है, चीज़ों को अच्छे से समझ लो, चीज़ों के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लो, या उसकी उसके बारे में अच्छे से जांच कर लो, तभी कोई कम्युनिकेट करो, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको यहाँ पे भी यही मैसेज दिया था, ठीक है। तो यस, कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी मैसेज है, यहाँ कुछ लोगों में ईगो क्लैशेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक जो है, डोंट लेट प्राइड इन योर वे, ठीक है। तो कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, पेरेंट्स के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, यहाँ पे कम्युनिकेशन उतना ही इंपॉर्टेंट जितना आपका 3D वर्ल्ड में है, आपके अपनों के साथ, आपके आसपास के लोगों के साथ, उतना ही इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें, ये जो गर्ल है, एक की आईज ओपन है, एक की क्लोज है, ठीक है। तो ये जो ये डिनोट कर रहा है 3D वर्ल्ड, ठीक है, 3D वर्ल्ड में कम्युनिकेशन, ये डिनोट कर रहा है आउटर वर्ल्ड, डिवाइन से कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको मैसेजेस बहुत मिलेंगे, आपको मदद हर तरह से बहुत मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको बोला 3D वर्ल्ड में भी और आपकी स्पिरिचुअल टीम से भी। आपको यहाँ पे अवेयर रहने की ज़रूरत है उन चीज़ों को लेकर के, जो भी आपको एक्शन लेना है अभी ले लीजिए, ठीक है। अगर अभी आप डिले करते रहेंगे, एक्शन लेना किस चीज़ के बारे में एक्शन लेना, चीज़ों को समझना, ठीक है। अगर किसी से कोई बातचीत हुई है आपकी, या कोई गलत फहमी हुई है, तो पहले किसी भी बात को लेकर के आप एकदम से, अगर मैं कहूँगी एक्शन ले रहे हैं, पहले उसके बारे में आपको क्या एक्शन लेना है, राइट और रोंग का सीधा एक्शन नहीं लेना है, ठीक है, कि यस मैंने उसे उस चीज़ को लूँ या नहीं, छोड़ दूँ। आपको पहले उसकी गहराई तक जाना है, ठीक है, सच्चाई का सच्चाई को पता करना है। अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात, अगर मैं आपको ठीक से समझा पा रही हूँ, तो ठीक है। कई बार हो जाता है कि हम लोग वो बोल नहीं पाते जो हम कहना चाहते हैं, ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। तो पहले उन चीज़ों की गहराई तक जाइए, ठीक है, उसकी सच्चाई निकालने की कोशिश कीजिए, तब कोई एक्शन लीजिए, ठीक है। ये समय है पहले तो उस सच्चाई का सामना करने का, या उस सच्चाई को ढूंढने का, उसके लिए एक्शन लेने का समय है, ठीक है। यस, देखिए कुछ चीज़ें हिडन है आपकी लाइफ में, देखिए जो भी चीज़ें चल रहा है ना अभी, कुछ हिडन है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक मून है, देख रहे हैं आप फुल, तो अभी पूरी तरह से आपको ओपन नहीं है चीज़ें, बहुत कुछ ढका हुआ है, बहुत चीज़ें हाइड है आपके
लाइफ में, ठीक है, तो उसे ओपन करिए पहले, उसकी उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए. और ये कम्युनिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इन सच्चाइयों को जानने के लिए, चाहे आप किसी से बात करके उस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं, सच्चाई जान रहे हैं, या आप डिवाइन से कनेक्ट होकर इंट्यूटिवली और एक डिवाइन वे से उन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, हो सकता है कुछ लोग टैरो रीडिंग कराएं, ये इसी चीज़ को भी डिनोट करता है. ठीक है, क्योंकि सभी, मैं कहूँगी सब में ये एबिलिटी होती है, लेकिन हर कोई ये चीज़ें नहीं करता है. ठीक है, तो हो सकता है आप टैरो रीडिंग के थ्रू कोई गाइडेंस लें, या किसी बड़े से आप गाइडेंस ले सकते हैं. ठीक है, या ये कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ. मेरी तो बस यही रहती है कि यस, जो मैं मैसेज दूँ क्लियर आप लोगों को आए समझ में, क्योंकि अभी पीछे मरकरी रेट्रोग्रेड होके गया है, तो उस वजह से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता, हम बोल नहीं पाते हैं ठीक से, वो इफ़ेक्ट करता है. हो सकता है आप लोगों का जब मरकरी रेट्रोगेट हुआ है, तभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो किसी चीज़ में, अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने रिलेशनशिप में, पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी. ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग देखिएगा. थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थ्रोट चक्रा भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा. लिब्रा तुला राशि क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रास को. सेवन ऑफ वंड्स. ओके, द लवर्स. देखिए कम्युनिकेशन कुछ है, हो सकता है कोई पार्टनरशिप हो, रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, या कोई पर्टिकुलरली कोई पार्टनरशिप हो सकती है. ठीक है, कुछ यहाँ पे मुझे कुछ दरार नज़र आ रही है कुछ लोगों में, या कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मैसेज दिया ही था. ठीक है, तो पहले आपको यही बोला जा रहा है कि आप उनसे, अपने पार्टनर से चीज़ों को क्लियर कीजिए. कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. वाओ, अगर आप देखें तो यहाँ पे भी थर्ड आई का सिंबल है. अगर आप इस गर्ल की यहाँ पे फोरहेड पे देखें, थर्ड आई का सिंबल है ये. तो ये थर्ड आई आपके लिए सच्चाई का पता चलना, बेसिकली चीज़ों की किसी भी बात को लेकर के पीछे की उसकी सच्चाई क्या है, समझ रहे हैं, उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है. आपको आपको मतलब आपके सामने अभी चीज़ें ओपन होकर के आई नहीं है, कुछ चीज़ें हिडन हैं. यहाँ पे मून की एनर्जी आ रही है, कुछ चीज़ें हिडन हैं आपके लिए. ओके, टू ऑफ कॉइन्स यहाँ पे है. मैरिज, रिलेशनशिप और इन चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पे इश्यूज हैं. कुछ लोगों का काम हो सकता है, करियर है, उसको लेकर के यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं. देखिए जो भी है यहाँ पे, आपको चीज़ों की गहराई तक जाने की ज़रूरत है, और सच्चाई का साथ दीजिए हमेशा, सच के साथ रहिए. बोला जा रहा है सच्चाई का साथ देना है आपको. ठीक है, गलत चीज़ का साथ आपको नहीं देना है. अपनी पावर को पहचानिए, चाहे जितने भी मुश्किलें आए आपकी राह में, आपको डटे रहना है विद द सेवन ऑफ वॉन्ट्स. ठीक है, आपको डटे रहना है, अपनी पावर को पहचानिए. जितनी भी मुश्किलें आती हैं आपकी राह में, जितनी भी कीले गड़ी निकल कर बाहर आएँ, ठीक है, जितने भी अप एंड डाउन्स आएँ, लेकिन आपको मतलब हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है, झूठ का साथ नहीं देना है, सच का साथ देना है. ठीक है, सच के साथ रहिए और सच को पता करने की कोशिश कीजिए. बेसिकली हो सकता है किसी के टू फेसेस हों, या आपके आसपास किसी पर्सन के. देखिए यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं, तभी मैं कहती हूँ अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिएगा. किसी पर्सन के टू फेसेस हो सकते हैं, या आपके आसपास के लोगों के टू फेसेस हो सकते हैं. ठीक है, कोई आपको गलत राह पे लेकर जा रहा हो, कोई झूठ बोल रहा हो आपको, तो आपको किसी की बातों पर, मैं कहूँ सेवन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, सॉरी सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे. कुछ लोग आपको गलत बातें बोल रहे हों, या किसी के बारे में झूठ बोल रहे हों, आपको किसी की बात सुन करके नहीं चलना है.
किसी की बात सुन करके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। जब तक आप अपनी कानों से अपनी आँखों से कानों से सुन नहीं लेते, आँखों से देख नहीं लेते, तब तक आपको किसी की बात पे एग्री नहीं होना है या उसकी बात को सुन करके कोई डिसीजन नहीं लेना है अपनी लाइफ में, चाहे वो कोई भी एरिया होता है हो आपका। ठीक है, मैं आपके लिए जो मेन मैसेज यहाँ से आ रहा है वो यही है, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग कुछ एकदम से कोई डिसीजन लेने वाले थे, तो यहाँ पे आपको एंजल्स जो है वो रोक रहे हैं कि रुक जाओ, भी कहीं ये ना हो कि बाद में पछताना पड़े। दैट्स वाई होता है ना कि देखो बीच में रोक देना, पहले चीज़ों को क्लियर करो, अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। ओके, तो पहले क्लियर कीजिए, देन कोई एक्शन लीजिए। ओके, हो सकता है आप कुछ और समझ रहे हो और बात कुछ और हो, समझ रहे मेरी बात? देखिए, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्या मैसेज है, ये जो लड़की है इसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, देख रहे हैं आप, इसने आंखें बंद कर रखी हैं, तो यहाँ पे आपको अपनी आंखों को खोलने की ज़रूरत है। सबके लाइफ में अलग अलग तरीके से ये चीज़ अप्लाई होगी, अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग मैसेज रिसीव करने की कोशिश कीजिएगा, अपने हार्ट को ओपन कीजिए, तभी आप वो मैसेज रिसीव कर पाएंगे। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देखिए, पर्सनल रीडिंग होती है तो हम किसी भी पर्सन को बता देते हैं, लेकिन इन जनरल हम नहीं बता पाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मैसेज सबके लिए नहीं हो सकता ना। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, क्या गाइडेंस है लिब्रास के लिए, थैंक यू सो मच, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस दी लिब्रास को, थैंक यू सो मच, थैंक यू लिब्रा, तुला राशि, थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टैंडिंग फॉर्म, देखिए ये दोनों कार्ड ना सेम ही है, आई एम नोबल ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, देख रहे हैं, जितनी भी कठिनाइयां आए आपको हारना नहीं है और सच्चाई पर बने रहना है, अपनी पावर को पहचानिए, खड़े रहिए, अपना स्टैंड लीजिए बेसिकली, ठीक है, अपना स्टैंड लीजिए, हार मत मानिए, ठीक है, यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है सोरिंग इनटू जॉय, चाइल्ड लाइक वंडरफुल माय लाइफ, यस, यहाँ पे इस तरह की एनर्जीज हैं लिब्रास की, आप बहुत हैवी एनर्जीज में आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत मैं कहूँगी हल्की फुल्की एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है कि अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को इन्जॉय करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, अपनी एनर्जीज को थोड़ा लाइट कीजिए, यस, क्योंकि यहाँ पे आपको ना पॉजिटिव एक रवैया अपनाने की ज़रूरत है। आप उन्हीं चीज़ों में जूझ रहे हैं जो आपके आसपास अभी चल रहा है ना सिचुएशन, यस, ये कहना आसान है कि लाइफ में कुछ भी चल रहा हो फिर भी एक ऐसा माइंडसेट रखो कि यस हम तो खुश हैं, वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नेगेटिव थॉट पैटर्न रखने से भी कुछ हासिल नहीं होगा, और ये अभी समय चल रहा है 2 फरवरी से ये स्टार्ट हो गया है 2-2-2-2-2-2 का पोर्टल, ठीक है, तो ये पोर्टल जो है 22 फरवरी तक रहेगा 2022 तक, और ये पोर्टल जो है आप इस पोर्टल का फ़ायदा उठा सकते हैं, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस आप यूनिवर्स को भेजेंगे उतने ही आप ब्लेसिंग्स रिसीव करेंगे, अगर आप नेगेटिव भेजेंगे तो नेगेटिव ही आप रिसीव करेंगे, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, समझ रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ आप। ओके, अपने अपने आप से अपने अंदर से पॉजिटिव वाइब्स भेजो आप यूनिवर्स को, डिवाइन को, ताकि आपको वो पॉजिटिविटी ही आप एक्सेप्ट कर पाओ जब ये पोर्टल फिनिश हो जाए तो, 22 फरवरी तक ये पोर्टल है, ठीक है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, मैं तो कहूँगी हमेशा ही रख पाओ तो हो, हमेशा ही रखो अपने आप को पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिविटी से कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। एमर्जिंग इनटू ग्रेस, आई ओपन माय सोल टू ग्रेस, ओके लिब्रा, यहाँ पे आप में से कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी चीज़ से दब रहे हैं, या मैं कहूँगी
खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अपनी सिचुएशन में या अपने रिलेशनशिप में, करियर में, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है. तो आपको बेसिकली यही बोला जा रहा है, डिवाइन आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अपना स्टैंड लो, ठीक है, झुको मत, ठीक है, सच का साथ दो, अपना स्टैंड लो, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 times 7 of wands की एनर्जी आई है, ठीक है. तो बेसिकली आपके चाहे राह में बहुत रोड़े आए या बहुत लोग आपको रोकें टोकें, आपको आगे बढ़ने से या आपको अपनी पावर में आने से रोके, आपको रुकना नहीं है, अपने लिए वो स्टैंड लेना है, ठीक है, अपनी पावर को पहचाननी है. और आपको विद द इमर्जिंग इनटू ग्रेस, आई ओपन माय सोल टू ग्रेस, आपको यही मैसेज दिया जा रहा है. इस मैसेज के थ्रू डिवाइन आपको यही कह रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स कीजिए. और जो चीज़ें जा रही हैं ना, जो नेगेटिव हैं, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें लेट गो कीजिए अपनी लाइफ से, ठीक है. क्योंकि आपको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पाथ है ना, जिस पाथ पे भी आप चल रहे हैं, उस पे चलने से डरो मत. चाहे जितनी भी कठिनाई आपको मिले, जितनी भी दिक्कत, जितनी भी तकलीफ आपको मिले, उस पाथ पे चलने से डरो मत, क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हो, आपको गाइड किया जा रहा है, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है. और यूनिवर्स जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता. लेकिन स्टैंड आपको खुद को लेना है, बने आपको खुद को रहना है. आप किसी की बातों में आकर के या कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, आप अपने पाथ को चेंज मत कर दो, ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है. यस, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था, वेट. हो सकता है कि आप कोई रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हों, तो आपको बोला जा रहा है ये टाइम है एक्शन लेने का, कम्युनिकेट करो, ठीक है, खुल करके बोलो. खुल करके यहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत है, अपना स्टैंड लेने की यहाँ पे ज़रूरत है. उन तकलीफ़ों से, उन कठिनाइयों से या उन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है. आप डिवाइनली गाइडेड हो, अगर आप उस बात पे चलते हो तो आपको वो सफलता, वो ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलेंगी. और इसी के साथ ही अपनी छोटी छोटी लाइफ में खुशियों को ना, मतलब जीने की कोशिश करो, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करो. क्लैपिंग करो, थोड़ी देर बैठो, हंसो, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, घर के काम में इंजॉय करो, या अपने लिए थोड़ा मी टाइम निकालो, थोड़ा समय निकालो, थोड़ा इंजॉय करने की कोशिश करो. जो आपको पसंद है वो काम करो, बिल्कुल बच्चों जैसी एनर्जी में आ जाओ, भूल जाओ कुछ वक्त के लिए कि इतना स्ट्रगल था, ठीक है. अपनी पावर में आने के लिए कभी कभी हमें इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना. दोबारा से वो बच्चा बनना. और बच्चे क्या होते हैं, कहते हैं ना, भगवान का रूप होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हमेशा सच का साथ देते हैं, और जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं. अगर आप देखें कम्युनिकेशन इसकी कम्युनिकेशन के कार्ड के नीचे ही चाइल्डलाइक ये वाली एनर्जी आई है, तो आपको उसकी एनर्जी में रहना है. आपको डरना नहीं है, जो आपको पता है या जो सही है बोल दीजिए, बिना उसका आउटकम जाने आपको बोल देना, क्योंकि वो सही है और डिवाइनली आप गाइडेड हो, आपका पाथ डिवाइनली गाइडेड है. देख रहे हैं आप, वाओ ब्यूटीफुल, मतलब यहाँ पे लोटस है, यहाँ पे मतलब एक ये कितनी, अगर आप देखें तो ये जो लेडी है कितनी शांति से लेटी हुई है, कि यस, इसे पता है कि सब कुछ जो है डिवाइन संभाल लेंगे, बस मुझे मतलब मैं यहाँ हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ, बाकी का काम जो है, आप स्टैंड लेना आपका काम है, बाकी जो है कि यस, आप उस पाथ पे चलते हो, आपको आगे क्या मिलता है वो डिवाइन का काम है. आप अपना कर्मा कीजिए, डिवाइन आपको ब्लेस ज़रूर करेंगे. और यस, इसके बाद तो है ही है हमारे पास प्लांटिंग सीड्स. सीड्स ऑफ ग्रेस आर बीइंग प्लांटेड इन द फर्टाइल सॉइल ऑफ माय सोल. तो यहाँ पे जो भी आप बोएंगे ना, जो भी आप बोएंगे, उसका रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा. वो खुशियाँ वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएंगी. बिल्कुल आप राइट पाथ पे हैं, बस आपको सच का मतलब खुल करके बोलना है, सच के साथ रहिए और अपनी पावर को समझने की कोशिश कीजिए, अपना स्टैंड लीजिए, झुकिए मत. यहाँ पे आपको झुकने के लिए मना किया जा रहा है कि झुकना नहीं है. जिस पाथ पर हो, किसी के बंधन में आ करके या कोई आपको आपके ऊपर जिसे कहते हैं बांध रहा हो, कोई उसके बंधन में आ करके उस राह से भटकने की ज़रूरत नहीं है. तो रॉन्ग डिसीज़न नहीं लेना है आपको, सही डिसीज़न लेना है.
इसके साथ ही मैं आपको ये बोलूंगी कि ये इस वेट के साथ आपको ये भी बोला जा रहा है, इस वेट के मैसेज के साथ एंजल्स आपको रिकंसिडर करने के लिए बोल रहे हैं कि जो भी फैसला आपने लिया है एक बार रिकंसिडर कर लो, उसे दोबारा से सोच लो कि क्या सही कर रहे हो आप। तो ये थे आपके लिए लिब्रास तुला राशि मैसेजेस। आई होप आपको इससे कोई भी गाइडेंस, कोई भी मैसेज मिली हो, मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड यस, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो वो पेड है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स अलाउड नहीं है। थैंक यू सो मच लिब्रास फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।